पहला करेक्टर जो हमारे पास है कमांडर डिलन हमारे पास है, और उसके बाद लेफ्टिनेंट विजय सिंह है, कमांडर गोस्ट है। सारी स्टोरी बताई जा रही है इसमें कि किस तरह से अटैक हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, क्या चलता रहा। अच्छी गेम है, आप लोगों को ट्राई जरूर करें। बहुत अच्छी एफर्ट इंडिया ने की है, बहुत अच्छा काम किया कि एक गेम डेवलप की अपने कंट्री के लिए, बहुत गुड हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज अली। तो कुछ दिनों से इंडिया और चाइना के बीच अनबन चल रही है, जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन थी सबको बैन कर दिया, जिसमें से एक टिकटॉक है। तो टिकटॉक वालों को तो मुबारक हो भाई, इंडिया वालों मुबारक हो, टिकटॉक बंद हो गया यार। इतनी खुशी और जो दूसरी एप्लीकेशन बैन की गई है वो और कोई नहीं, वो मोबाइल के हाई एंड गेम यानी पबजी मोबाइल है। पबजी मोबाइल बंद होने की वजह से इंडियन गेमर्स बड़े नाराज हुए, और बंद भी कब हुई, लॉकडाउन के सीजन में जहाँ किसी के पास कोई काम ही नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखते हुए अपनी एक गेम के अनाउंसमेंट कर दी, जिसका नाम है फौजी। और फौजी के अनाउंसमेंट करने के लिए अक्षय कुमार को हायर किया गया। तो भाई हर बंदे ने ये गेम खेलनी थी, क्योंकि उसकी फिल्म जैसी सुपर हिट होती है तो गेम कैसी होगी। तो लोगों ने इस गेम को पबजी मोबाइल से कंपेयर करना शुरू कर दिया, और ये गेम कल या परसों रिलीज हो चुकी है। 26 जनवरी जो कि इंडिया का रिपब्लिक डे है, उसको रिलीज हो चुकी। तो भाई हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक अच्छा काम किया, अपनी एक अचीवमेंट हासिल की है, तो हमारा हक तो बनता है कि उनकी जो अचीवमेंट को चेक करें कि उन्होंने कैसी गेम बनाई। तो सबसे पहली बात तो यह आती है, ये गेम इंडिया के अलावा किसी मुल्क में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की है इसको डाउनलोड करने की, बड़ी मुश्किल से मैंने जाके APK और OBB फाइल इसकी डाउनलोड की है। अभी प्ले स्टोर पे ये मुझे नहीं मिली, मैंने VPN लगा के ट्राई कर दिया, मुझे फिर भी ये गेम प्ले स्टोर पे नहीं। तो अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से इस गेम को खेलना चाहते हो ना, तो आपको इसका APK और OBB फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं जो है इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके लिंक को चेक कर सकते हैं। चलिए अब इस गेम को खेलते हैं, चेक करते हैं और अपना रिव्यू देते हैं कि ये गेम कैसी है। तो यार कैमरा रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, क्योंकि जो मैं गेमिंग के लिए फोन यूज करता हूं वो 8GB रैम वाला यूज करता हूं, क्योंकि मुझे गेमिंग में कोई मसला ना हो, परफॉर्मेंस में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो यार चले गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गेम किस टाइप की है, कैसी है। तो 4G के आइकन पर क्लिक किया, तो सबसे पहले इनके डेवलपर का नाम है एनकोर्स गेम्स। एनकोर्स गेम्स ने इसे डेवलप किया है। तो लोडिंग स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। तो अब हमारे सामने एक सरदार जी आ गए। सरदार जी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो प्ले करने से पहले मैं इसकी स्टोर देख लेता हूँ। स्टोर अच्छा, तो सबसे पहले हमें मिल रही है बहुत सारी जो तलवारें वगैरह, ये तो कुल्हाड़ियाँ वगैरह, पाइप भी हैं। तो हम बेसिकली हमें 3 करेक्टर मिल रहे हैं, जिन्हें खरीदने के लिए हमें जो कॉइन्स है वो जाय करने पड़ेंगे। तो पहला करेक्टर जो हमारे पास है कमांडर डिलन हमारे पास है, और उसके बाद लेफ्टिनेंट विजय सिंह है, कमांडर गोस्ट है हमारे पास, मगर जो है हम सिर्फ एक ही को यूज़ कर सकते हैं, कमांडर डिलन। लोड आउट जो है इसकी कुल्हाड़ियाँ ही है हमारे पास। और जो दूसरी बात इस गेम के, जितने भी आप टोकन बाय करोगे इसमें से, जैसे कि हम पबजी में रॉयल पास बाय करते हैं, तो उसमें से 10% जो है इंडिया की आर्मी के जवानों को जाएगा। तो चलते हैं बेस की तरफ। अब जब हम प्ले पर स्टार्ट करते हैं तो हमें 3 तरह के मैच मिलते हैं, कैंपेन, टीम डेड मैच और फ्री फॉर ऑल। तो टीम डेड मैच और फ्री फॉर ऑल जो है कमिंग सून है, अभी तक वो आए नहीं है, कमिंग सून है। कैंपेन वाले को स्टार्ट करके देखते हैं कि किस तरह का ये। ओके, तो हमें स्टोरी बताई जा रही है, मैं इसे स्किप नहीं करने वाला। हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान। अच्छा ये हमें हिंदी में बताया जा रहा है, ये एक नई चीज हमें मिल रही है। इसी तरह से फर क्राई 4 में हमें हिंदी में बताया गया था, मेरे ख्याल से फर क्राई 4 था जिसमें हमें हिंदी में स्टार्टिंग हुई थी। सारी स्टोरी बताई जा रही है इसमें कि किस तरह से अटैक हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, क्या चलता रहा। तो उनका सर चकरा रहा था, पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती, और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा।
बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। तो भाई गेम की स्टार्टिंग उसकी स्टोरी से हुई है कि कुछ लोग मर जाते हैं तो भाई हमारे जो फौजी भाई हैं उनको जज्बात आ जाते हैं। गेम तो इस तरह से स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सिख भाई को यहाँ ले जाने हैं, मुझे कंट्रोल, हर गेम की तरह मुझे कंट्रोल सिखाए जा रहे हैं। यार हम रेड डेड रिडेम्पशन खेल चुके हैं, ये क्या चीज़ है। ओके तो सबसे पहले मुझे पंच मार के गेम खेलनी है। ओ भाई ये क्या मसला है, ये क्या मजाक है। यानी अगर मैं एक बंदे को मार रहा हूँ तो दूसरा बंदा मुझ पर अटैक नहीं करेगा, ये गेम की सबसे बुरी बात है। ये इस गेम का एक मसला तो ये मुझे नज़र आया है। गेम प्ले करने मेहमान भी हैं तो दूसरे चेक पॉइंट पर मैं चला जाता हूँ। अब भाई हमने आग सेकनी है, आग सेकेंगे तभी भाई हमारे फौजी भाई जो है गरम रह सकेंगे, गरम रहेंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। ग्राफिक इस गेम की बताऊँ तो ठीक है, जिस हिसाब की जो एक्सपेक्टेशन थी उस तरह की नहीं है। बाकी इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं IGI से, प्रोजेक्ट IGI 2 से। मोबाइल के हिसाब से अच्छी ग्राफिक है। तो भाई हमें ये X मिली है जिसे हम चेंज कर सकते हैं सर। ओके फाइट हमारी शुरू हो गई है एक्स से। कुल्हाड़ी मारेगा, ये क्या सीन है यार। यानी कि फौजी बॉर्डर पे खड़े हुए उनके पास कोई वेपन ही नहीं है, वो कुल्हाड़ियों से लड़ेंगे। वाह यार, यहाँ पे अमेरिका जो है न्यूक्लियर बॉम्ब ईजाद कर रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब ईजाद कर रहे हैं और भाई तुम लोगों ने कुल्हाड़ियों से लड़ना है। गेम का दूसरा डिफेक्ट तो फिलहाल का ये है। तो भाई हमें गेम सिखा दी गई है, हम नेक्स्ट लेवल। तो दूसरा लेवल खेल के देखते हैं कि शायद अब मुझे गन मिल जाए। एक बंदे को, यानी कि मेरे सामने चार चार बंदे हैं, अगर मैं आगे वाले को मारूं तो पीछे वाले मुझे देखते रहेंगे। गेम का सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है। बाकी गेम तो अभी ग्राफिक वाइज गेम को बहुत अच्छा कह सकते हैं क्योंकि मोबाइल्स में इस तरह के ग्राफिक्स बहुत कम आती हैं। और भाई बाकी इसमें एक्सपेक्ट किया था हमने कि अक्षय कुमार होगा, तो वो कहाँ है भाई, वो तो इस पूरी गेम में नज़र नहीं आ रहे। बाकी यार इसकी जॉयस्टिक, एक मसला मुझे ये नज़र आ रहा है इसकी जॉयस्टिक में बड़ा मसला है यार। कौन सी गेम की जॉयस्टिक ऐसे मूव करती है। पबजी से तो यार इसको कंपेयर नहीं कर सकते, सॉरी भाई मगर पबजी से ये कंपेयर नहीं हो सकती। यानी जब से मैंने ये गेम स्टार्ट किए मैं मुक्के ही मार रहा हूँ। तो यार काफी टाइम से मैं लड़ लड़ के तंग हो चुका हूँ यार। अच्छा इसमें दूसरी बात ये लेवल 1 और लेवल 2 के, जिस इस तरह की जो फाइटिंग गेम्स होती हैं इनमें लेवल 1 और लेवल 2 के जो है सोल्जर होते हैं। यानी कि कोई जल्दी मर जाता है, कोई देर से मरता है, मगर इस गेम में ये सीन भी नज़र नहीं आ रहा। यार गेम खेलने की जो मेन वजह अक्षय कुमार भाई वो कहाँ है यार, उनको लाओ। कौन से सरदार जी हमें दे दिए, केसारी भाई तो नहीं हो। मैं गेम सिर्फ इसीलिए खेल रहा हूँ कि कहीं जाके मुझे गन मिल जाए, बस गन मिल जाए और देखूँ कि गन कहाँ मिलती है। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, अभी जो लास्ट पंच इस बंदे ने किया है तो उसमें जो है बंदे के साथ साथ पत्थर को भी डैमेज हुआ है, ये चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगी। मगर इंसान से पत्थर को डैमेज, पक्का साउथ इंडियन फिल्मों से इंस्पायर होकर गेम बनाइए। नेवी के जो है हमारे पास सोल्जर आ गए वाइट ड्रेस में। अच्छा बंदा पीछे करे कुल्हाड़ी लेके वो मुझे मार नहीं रहा, वो देख रहे कि कब मैं उससे लड़ूं। मेरी बात सुन ली। और ओ
नो, मुझे मार दिया। इतना गुस्सा रिस्टार्ट कैसे होता है ये देखते हैं। क्या उसी चेक पॉइंट से जहाँ हमने पिछली दफ़ा गेम छोड़ी थी? या जॉयस्टिक की जो मूवमेंट है ना, बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे। और जो इसके कैमरा है, जो थर्ड पर्सन कैमरा है, उसमें भी ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी इस गेम से कि गेम बड़ी ही हाई एंड होने वाली है, वो मज़ा नहीं है इसमें। जिस तरह से अक्षय कुमार ने आके इसकी एडवर्टाइजमेंट की थी ना, हमने बोला था भाई कुछ आतंक गेम आने वाली है। नहीं भाई, ये गेम में और नहीं खेल सकता, बस इसको यही बंद करते। तो यार, आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों के सामने गेम खेली, तो ये गेम जो है मेरी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरी। काफ़ी अच्छी गेम है, यानी कि इसके ग्राफिक जो है मोबाइल के हिसाब से बहुत अच्छे दिए गए, मगर एक मसला ये आ रहा है कि इसकी जॉयस्टिक की मूवमेंट ख़राब है। बंदे के जो करेक्टर मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा मसला है। और जो NPC करेक्टर हैं वो खड़े रहते हैं यार, आपको मारते ही नहीं है। या तो एक साथ इतने बंदे नहीं भेजो, या तो बहुत सारे बंदे भेज दो। और दूसरी बात, मुझे इस गेम की ये नज़र आई कि ये कौन सा एरिया या कौन सा बॉर्डर है जहाँ पे आर्मी विदाउट वेपन खड़ी है यार, बस कुल्हाड़ियाँ लेके खड़ी है। चलो, जो गेम करेक्टर हमारा होता है उसके पास गन ना होना एक वजह है, उसके जो है लॉजिक है कि वो अभी अभी लड़के घायल होके वापस आ रहा है। मगर जो बंदे पहले से चाइना के जो बंदे खड़े हैं उनके पास क्यों वेपन? बाकी ग्राफिक इसके कंपेयर करें तो प्रोजेक्ट IGI 2 जो है उसके जैसे ग्राफिक थे, जो कि मोबाइल के लिए बहुत अच्छी ग्राफिक है। पबजी के लेवल के ग्राफिक तक तुम पबजी को बीट कर सकते हो। ग्राफिक की बात करें तो पबजी के लेवल तक आप लोग पहुंच गए हो, मगर जो एक्सपेक्टेशन थी वो अभी तक नहीं है। बाकी यार, गेम इतनी बुरी भी नहीं है, बड़ी अच्छी गेम है, आप लोगों को ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि पबजी से कंपेयर नहीं करो। अभी तक ये गेम फिलहाल फ्री फायर को हराने लायक नहीं है, पबजी से इसे कंपेयर करो ही नहीं। बाकी अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो इस गेम को खेल सकते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी एफर्ट इंडिया ने की है, बहुत अच्छा काम किया कि एक गेम डेवलप की है अपने कंट्री के लिए। यानी कि जो उनके नेशन है उनको एक चीज़ बना के दे दी कि अगर हम ये चीज़ बैन कर रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और जो लोग ये बोल रहे हैं ये गेम इस तरह की है, ये गेम उस तरह की है, तो भाई मेरी बात सुनो, अगर खुद गेम डेवलप कर सकते हो ना तो करो, और नहीं कर सकते तो बोलो नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि पीछे जो उनकी कितनी एफर्ट और कितनी मेहनत लगती है। उन्होंने गेम बनाई है, बहुत अच्छा काम किया है। जिस दिन आप अपनी गेम बनाओगे तो आपकी भी तारीफ या बुराई लोग कर देंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी को रिव्यू देना कोई बुरी बात नहीं होती। तो दूसरी बात, मैं ये करता चलूँ कि मैं एक चैनल का सब्सक्राइबर हूँ, तो उस चैनल का नाम तो मैं यहाँ लेना पसंद नहीं करूँगा। 1.2 मिलियन वाला चैनल है, Top 4 कुछ करके नाम है, अब आप लोग समझ गए होंगे अगर पाकिस्तानी हो तो। भाई, उसने कुछ दिन पहले इस गेम का रिव्यू जो है पोस्ट किया, तो उसने इस गेम की इतनी बुराई की, और मतलब कि इस गेम के कॉन्सेप्ट को कुछ अलग ही लेवल पे ले गया। तो यार, ये बात मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि देखो, अगर आप एक काम नहीं कर सकते तो आप दूसरे की बुराई नहीं करो। उन्होंने एफर्ट दिखाई, उन्होंने कुछ करके दिखाया, आप चाहो खुद करके दिखाओ, उससे अच्छी गेम बनाओ। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जितनी भी हेट करते हो उस गेम को या किसी और चीज़ को, मगर भाई दूसरों तक ना फैलाओ। क्यों फैला रहे हो फसाद, क्यों फैला रहे हो इसको? तो यार, आज की वीडियो में इतने। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियोज़। बाकी आज के लिए अल्लाह हाफिज़।